हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टाइगर जिंदा है के बारे में बहुत अच्छी और डिटेल्ड में न्यूज़ पता चली है इंडिया से। डिस्ट्रीब्यूटर्स का और एग्जीबिटर्स का क्या कहना है फिल्म के बारे में वो आप जान लीजिए। टाइटल से समझ में आ गया होगा, टाइगर जिंदा है कुड वेल बी द नेक्स्ट बाहुबली एट द बॉक्स ऑफिस। यानी कि टाइगर जिंदा है बाहुबली दूसरी बाहुबली है इंडिया की। क्योंकि दूसरी बाहुबली क्यों है, डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर ऐसा क्यों कह रहे, चलिए जानते हैं। यानी कि जिस तरह से बाहुबली ने रिकॉर्ड तोड़ा था धमाकेदार रही थी, उसी तरह से टाइगर जिंदा है भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और बिगेस्ट रिलीज होने वाली है। और क्या उन्होंने कहा है, किसने क्या क्या कहा है वो जानने की कोशिश करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि प्रॉपर प्रूफ के साथ। जैसे कि राज बंसल है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो बंदा होता है जो फिल्म को प्रोड्यूसर से लेकर एग्जीबिटर्स तक पहुंचाता है। एग्जीबिटर्स वो बंदा होता है जिसका सिनेमा हॉल्स होता है, जो थिएटर दिखाता है, फिल्म दिखाता है, समझ गए होंगे आप। डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्में देता है वो क्या कह रहा है, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड फॉर द फिल्म इज सो हाई दैट द स्क्रीन्स आर ऑन द इंक्रीज एवरी फ्यू मिनट्स। यानी कि राजस्थान की बात कर रहे हैं ये, कि इतनी ज़्यादा है कि स्क्रीन्स बढ़ा दी जा रही है, हर मिनट में स्क्रीन्स बढ़ा दी जा रही है, ये खबरें हैं राजस्थान से। उसके बाद देखिए, इट इज लाइक ए हरिकेन इफेक्ट एट द बॉक्स ऑफिस, जैसे एक भूकंप आता है, भूचाल आता है, उस तरह का इफेक्ट है बॉक्स ऑफिस पर। और क्या कहा है, गॉड विलिंग द नंबर कुड बी मच लार्जर देन आई हैड इनिशियली प्लान्ड। यानी कि नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बंसल ने ऑलरेडी कहा कि 150 स्क्रीन तो सलमान की सुल्तान को मिली थी और उससे भी ज्यादा स्क्रीन होने वाली राजस्थान में किसकी, टाइगर जिंदा है की। अब यहाँ पे और क्या क्या उन्होंने बता देता हूँ, बट टाइगर जिंदा इज एक्सपेक्ट टू गो वे बियॉन्ड द नंबर राइट नाउ इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द स्क्रीन काउंट। यानी साफ साफ कहा है कि उससे ज्यादा हो सकता है और बहुत ज्यादा बढ़िया ये फिल्म कमाल करेगी। उसके बाद आगे क्या कहा है, जनरली देर आर एटलीस्ट टू रिलीजेस क्रिसमस वे पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन दंगल। यानी कि ज्यादातर देखा जाता है कि दो फिल्में रिलीज होती है इस समय, यानी दिसंबर के टाइम पे, लेकिन दंगल अकेली रिलीज हुई थी तो उसको जितना फायदा हुआ था उस तरह से टाइगर जिंदा है को भी होगा। और यहाँ पे सामने साफ साफ इन्होंने कहा कि पद्मावती डिले होने से टाइगर जिंदा है को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूफ टू बी एडेड एडवांटेज फॉर टाइगर जिंदा है ना, सिंस देयर इज नो बिग फिल्म आफ्टर द गोलमाल अगेन। और साथ ही ये कहा है कि गोलमाल अगेन के बाद से कोई बड़ी फिल्म नहीं है तो उससे पूरा का पूरा फायदा होगा। और ऊपर से एक था टाइगर एक अच्छी खासी इंस्टॉलमेंट है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, तो उसी का अगर सीक्वल बन रहा है तो लोग जरूर देखने वाले हैं। और विशेक चौहान जो एग्जीबिटर है बिहार के, एग्जीबिटर यानी जो फिल्म दिखाते हैं, ठीक है, थिएटर में जिनका थिएटर्स है, उनका कहना है कि इट कुड बी द नेक्स्ट बाहुबली एट द बॉक्स ऑफिस। यानी कि ये दूसरी बाहुबली हो सकती है भारत से। अब उन्होंने डिटेल में क्या कहा है, विकास चौहान जो बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर है, एग्जीबिटर, वो बताता हूँ मैं। नेक्स्ट बाहुबली एट द बॉक्स ऑफिस, देर इज सम इनक्रेडिबल एंड अनयूजुअल अबाउट द क्रेज फॉर द फिल्म। यानी कि बहुत अलग और अनोखा है इस फिल्म के बारे में, बहुत अलग ही क्रेज है। वी डोंट गेट टू सी सच काइंड ऑफ मैजिक एवरी टाइम ए फिल्म रिलीज है, इट हैज नॉट हैपेंड फॉर प्रीवियस सलमान खान स्टार टू। यानी कि इस तरह का मैजिक, इस तरह का क्रेज, इस तरह का पागलपन पब्लिक में हम देखते नहीं है इसका। और साथ में ये भी कहा है कि सलमान खान की पिछली फिल्मों में भी इतना क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है, मिला था जितना इस फिल्म के लिए देखने को मिल रहा है। और इट इज इवन बिगर देन बजरंगी भाईजान और दंगल। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि बजरंगी भाईजान दंगल का भी रिकॉर्ड आराम से तोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा इसका क्रेज है। गॉजिंग फॉर द एक्सट्रॉर्डिनरी ट्रेड द ओपनिंग कुड बी वेल ए पावर विद बाहुबली इफ द एडवांस बुकिंग कंटिन्यूज एट दिस पेस। यानी कि ओपनिंग जो होगी इसकी वो बाहुबली की तरह एक विशाल काय होगी, क्योंकि इसका जो एडवांस बुकिंग है वो भी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर एडवांस बुक इसी तरह से चलती रही तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा, यानी जिस तरह से बाहुबली का हुआ था। तो साफ है, आई एम टोल्ड ए लीडिंग स्क्रीन काउंट थिएटर इन दिल्ली हैज नाउ ओपन द बुकिंग फॉर द फिल्म वीक इन अ व्यू। यानी कि दूसरे वीक की भी बुकिंग चालू कर दी है, प्रॉपरता से हो रही है कहाँ पे, दिल्ली के एक एग्जीबिटर की बात करें तो। अब यहाँ पे विशेक चौहान जो लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर, यानी कि जो फिल्म सप्लाई भी करते हैं और उनका थिएटर का चैन का ग्रुप है, यानी फिल्म दिखाते भी, उनका क्या कहना है, There is some incredible and unusual about the craze for the film causing the extraordinary trend about Baahubali in the advance being continues at this pace। यानी कि distributor exhibitors है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या कहना है लोगों का। हाँ, यानी कि बिहार के जो एग्जीबिटर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिसमस हॉलीडे भैया, और उसकी वजह से बिगेस्ट ये ट्रेंडिंग हो सकती है फिल्म, यानी कि बहुत ज़्यादा कमा सकती है। और एक लास्ट एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतानी है जो आई थिंक इम्पोर्टेंट, जैसे कि रजिंदर सिंह है जो चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर है आइनक्स थिएटर के, उनका कहना है द एडवांस बुकिंग ट्रेंड आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। यानी इस तरह की एडवांस बुकिंग बहुत ही वक्त के बाद देखने को मिली है सिनेमाघरों में, और पद्मावती के कैंसिल होने के बाद बहुत ज़्यादा फायदा मिला है।
और सलमान खान इज द हीरो ऑफ द मास, वी वांट देम टू सेलिब्रेट हिम। मनोज देसाई कह रहे हैं कि सलमान खान एक पब्लिक के हीरो है और लोग भी चाहते हैं ये फिल्म को देखे, इसलिए उन्होंने टिकट प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाए। यानी कि इन सब बातों से साफ है कि एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा खुश है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी ने यही कही कि ये बाहुबली की तरह इसकी एडवांस बुकिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, यानी कि टाइगर जिंदा है एक नेक्स्ट बाहुबली है इंडिया की तरफ से। क्या लगा आपको, कैसी लगी न्यूज़ जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।